देखिए, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने किसी एक टीवी चैनल में बैठ करके जिस प्रकार से उत्तराखंड के लिए एग्जाम्पल दिया, और उस एग्जाम्पल में उत्तराखंड की जनता, पूरे के पूरे उत्तराखंड प्रदेश के समाज को की तुलना एक कुत्ते से की, ये बहुत ही बेहद ही खराब बात है। ये उनकी छोटी मानसिकता, उनकी घृणित मानसिकता, उनकी गलत मानसिकता को दर्शाता है। आम आदमी पार्टी की पूरी की पूरी पार्टी इस बयान पर अपने प्रवक्ता के चुप है। किसी भी आला नेता ने अब तक इस बयान पर कोई माफ़ी नहीं मांगी है। आज आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की जनता की तुलना किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सोच को दर्शाता है। मेरा यही कहना है मित्रों, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने इस घृणित सोच को के तहत उत्तराखंड की जनता को अपमानित करने का काम किया है, हमारी धरा ने वीर चंद सिंह गढ़वाली को जन्मा है, हमारी धरा ने माधव सिंह भंडारी को जन्मा है, हमारी धरा ने बलभद्र सिंह को जन्मा है, वीर बाला तीरू रौतेली को जन्मा है, हमारी धरा ने वीरों को जन्मा है, हमारी धरा के प्रत्येक युवा आज देश में सेना में भर्ती होकर के अपने प्राणों को निछावर कर सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं। ऐसी धरा के लोगों के लिए, सैनिक प्रदेश के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता इस प्रकार की बात करती है, ये बेहद ही उनकी सोच जो है, छोटी सोच को, बेहद ही गंदी सोच को दर्शाता है। आम आदमी पार्टी की इस सोच का जवाब उत्तराखंड की जनता आने वाले समय में जरूर देगी, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की जिस सोच, गिरगिट की जो सोच आम आदमी पार्टी की देखने को मिली है, मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की जनता इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता इस पर करारा जवाब देगी और आम आदमी पार्टी की इस सोच, जो गलत सोच है, उसको सबक सिखाएगी।